हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। बिल में छुपे चूहे, ये क्या अवतागति सूझी? जा छुप जा, जा छुप जा, जाके अपने उसी बिल में प्रलाप न कर भाले, युद्ध कर युद्ध। बाली, बाली, ओ बाली, ओ बाली, बाहर निकल, बाहर निकल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बाली, आज मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लूंगा, बल है तो बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर, ओ बाली, बाली, हिम्मत है तो बाहर निकल। ये सुग्रीव की आवाज है? हाँ, उसी की है। ये इतने वर्षों बाद अचानक क्या हुआ उसको? बाली, ओ बाली, बाहर निकल। आप रहने दीजिए स्वामी, वो थोड़ी देर शोर मचाकर स्वयं ही चला जाएगा। कोई युद्ध के लिए मुझे पुकारे और मैं घर में बैठा रहूं, ये तुम भीरू कब से हो गई हो? मैं तो केवल आप ही के लिए कह रही हूं स्वामी, ये आपके विश्राम का समय है। विश्राम मैं आकर कर लूंगा, सुग्रीव मेरे मार्ग के सामने अधिक देर ठहर नहीं सकता, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। बिल में छुपे चूहे, ये क्या अवतागति सूझी? जा छुप जा, जा छुप जा, जाके अपने उसी बिल में प्रलाप न कर भाले, युद्ध कर युद्ध। अच्छा तो चूटी के भी आज पर निकल आए, चल खुले मैदान में, चल चल तो चल। बार-बार लक्ष्य साधता हूं, परंतु दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि जरा सी भी असावधानी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। मैं ये बाण नहीं छोड़ सकता। Ah!
दूध लीजिए स्वामी। बाली कायर, लज्जा से डूब मर, युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। हिम्मत है तो बाहर निकल, सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बारा ओ वाली, देखा तारा, आज तेरी बहन रूमा का विधवा होना निश्चित है। बाली के हाथों तो उसके भाई के बद को आज कोई नहीं टाल सकता। स्वामी, स्वामी, बरसाती नदी के समान वेग से उमड़ते क्रोध को काबू करके शांत चित्त से मेरी एक बिनती तो सुन लीजिए स्वामी। ये क्रोध तो अब सुग्रीव की गर्दन तोड़कर ही शांत होगा, तब कह लेना जो कहना हो। देखा, वो बैरी फिर द्वार पर आकर ललकार रहा है। स्वामी, बैरी नहीं, आपका भाई है वो। भाई से भाई की लड़ाई सदा जग हंसाई का कारण बनती है। संसार आप ही को दोष देगा, बड़े आप है स्वामी। बड़े छोटे का भेद माँ की गोद तक सीमित रहता है। एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते, वो चाहे भाई भाई ही क्यों ना हो। सुग्रीव स्वार्थी है, वो लालची है, सत्ता का मोह है उसे। उसे सत्ता का मोह है तो आपको सत्ता का मत है स्वामी। तारा, तुम हमारी भारिया होकर लांछन लगा रही हो हम पर, कायर बनाना चाहती हो हमें? नहीं नहीं स्वामी, वीरों में वीर हैं आप। आपका सामना करने की शक्ति त्रिभुवन में किसी में नहीं, परंतु वीरता की वेग में विवेक शून्य हो जाना विनाश का कारण बन सकता है स्वामी। किसका विनाश? नाथ, आवेश में ना आइए, तनिक विचार कीजिए। आपके हाथ से मार खाकर परास्त होकर रणभूमि से भागने वाला किस बल पर आपको पुनः चुनौती दे रहा है? अंगद ने हमें पहले से ही सावधान किया था। हनुमान दो मानव तपस्वियों को सुग्रीव की सहायता के लिए ले गया है। वो तपस्वी मानव पुत्र गिरिवर के समान दुर्धर्ष, अटल, अजय, बाली का अनिष्ट करेंगे? वो तपस्वी साधारण मानव पुत्र नहीं है स्वामी, उनका पूरा विवरण मिल गया है। जिन्होंने स्वयं महेश्वर का धनुष तोड़ दिया, ताड़का और सुबाहु का वध किया, वो असाधारण अलौकिक त्रिलोक विजेता राम ही आज सुग्रीव के सहायक बन गए हैं। उन्हीं से प्रोत्साहन पाकर वो पुनः आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं स्वामी। सुग्रीव का ये गर्जन तर्जन, युद्ध के लिए पुनरागमन मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रहा है स्वामी। अपनी अर्धांगिनी की विनती मान लीजिए, आज आज इस समय सुग्रीव से लड़ने न चाहिए स्वामी। देखो, राम के बारे में मैंने भी गुप्तचरों द्वारा पता कराया है, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले और समदर्शी हैं, वो अधर्म का साथ नहीं देंगे। बाले कायर, युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया, लज्जा से डूब मर, हिम्मत है तो बाहर निकल, सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। उस गरजते हुए मेघ को तुम मेरा भाई कह रही हो? अरे तारा, सुग्रीव तो क्या, अगर अंगद भी मुझे इस प्रकार चुनौती देगा तो मैं उसे सहन नहीं करूंगा। स्वामी, परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, धिक्कार है उस शस्त्र धारण करने वाले सूरमा पर जो शत्रु की ललकार सुर का सामने ना जाए। सुग्रीव और बाली ने एक ही माँ का दूध पिया है, बाली माँ का दूध ले जाने वाला पावर बन जाए, असंभव। स्वामी, स्वामी नाथ, नाथ, जल्दी में आपके पिता देवराज इंद्र की प्रदान की हुई ये विजय सुवर्णमाला धारण करना भी आप भूल गए?
से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया, लज्जा से डूबा। हिम्मत है तो बाहर निकल, सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, बाहर आ। ओ वाले, निर्लज्ज तू फिर आ गया। मैंने छोटा समझकर पहली बार तुझे जीता छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ूंगा। लगता है तेरी मृत्यु तुझे दोबारा किष्कंधा के द्वार पर घसीट लाई है। किसकी मृत्यु होगी ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। सुग्रीव मेरे हाथों क्यों मरता है, अब भी चला जा। कारो जैसी बात मत कर बाली, यदि माँ का दूध पिया है तो आ जा मैदान में। अच्छी बात है, तेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, तो चल आ जा। चल Yeah.